एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो अपनी लीक होती है वो बक्सा लेके जा रही होती है, तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई होती है जो लीक को देख के हाय बोलती है, तभी जो लीको होती है वो भी उसे हाय बोलने वाली होती है, तभी मतलब जो एक लड़की होती है उसके पीछे से आ जाती है और लीको मतलब लीको समझ जाती है कि हाँ मतलब वो उसे हाय बोल रही होती है, और फिर हमें दिखाया जाता है जो लीको होती है मतलब वो वहाँ पर बैठ जाती है और वो अजीब सा चेहरा बना देती है कि मेरा मतलब पोपट हो गया, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक रेटाटा होता है जो लीको के पास आ जाता है और वो लीको जो होती है वो उस रेटाटा को देख के काफ़ी डर जाती है, तभी थोड़ी देर में गाइस वहाँ पर एक बस आ जाती है और बस में से गाइस एक मचैम निकलता है जो लीको का बैग उठा लेता है और वो बस में बैठ जाता है और लीको भी उस बस में बैठ जाती है और जो बस होती है वो वहाँ पर चलने मतलब चलने लगती है और बस मतलब जा रही होती है, तभी हमें रास्ते में काफ़ी सारे मतलब बड़े बढ़िया पुगिन दिखाए जाते हैं और काफ़ी बढ़िया नज़ारा होता है और एनिमेशन गाइस काफ़ी बढ़िया थी इसकी, और जो लीक होती है वो उन सब पुकिन को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और एक स्माइल करती है, थोड़ी देर में गाइस वो एकेडमी पहुंच जाती है, जो लीको होती है वो एकेडमी को देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और मतलब वो शॉक हो जाती है, उसके बाद गाइस समय मतलब दिखाया जाता है जो एकेडमी होती है उसमें काफ़ी सारे पोकेमॉन होते हैं और काफ़ी सारे ट्रेनर मतलब स्टूडेंट जो होते हैं वो वहाँ पर होते हैं, तभी हमें लीको दिखाई जाती है जो मतलब अपने रूम के पास पहुँच जाती है, जैसे वो रूम में मतलब खोलती है अपना रूम खोलती है तभी उसे एक लड़की दिखाई जाती है जिसने मतलब सारा सामान फैला रखा होता है और लीको जल्दी से मतलब वो दरवाजा बंद कर देती है और वो सोचती है कि मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे लगा था मुझे एक अकेले मतलब एक सेपरेट रूम मिलेगा, लेकिन लीको गाइस इसे देख के काफ़ी परेशान रहते हैं, तभी वो लड़की मतलब रूम से बाहर आती है और उसे लीको को जो है ना हाय बोलती है और लीको भी उसे मतलब हाय बोलती है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं, उसके बाद जो लीको होती है वो उस रूम में चली जाती है और वो मतलब उस लड़की से बात करने लगती है, वो जो लड़की होती है वो एक पॉमी मतलब जो पोकेमॉन है उसके बारे में बात करने लगती है और लीको भी मतलब इसके बारे में मतलब बात करती है, वो लोग इसी तरह से बातें कर रहे होते हैं और उनकी जो फ्रेंडशिप होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक पोकेमॉन होता है मतलब पोकेमॉन बैटल चल रही होती है बाहर और काफ़ी बढ़िया बैटल चल रही होती है और जो लीको की जो फ्रेंड होती है वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और जो लीको होती है उसे मतलब बैटल करना कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है तो वो मतलब थोड़ा सा मतलब अजीब सा चेहरा बना लेती है, पता नहीं क्या लीको जो होती है वो कुछ सोचने लगती है, तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लीको होती है वो मतलब एक वीडियो देख रही होती है प्रोफेसर का और उसमें बताया जाता है कि जो प्रोफेसर जो होते हैं ना वो बताते हैं कि मतलब तुम जब अपना सफर स्टार्ट करोगे तब तुम्हें एक पोकेमॉन मिलेगा और जो तुम्हारा स्टार्टअप पोकेमॉन होगा तुम्हें मतलब उसमें से एक चूज करना होता है, तो जो लीको होती है वो इस बारे में मतलब वीडियो देख रही होती है, उसके बाद रात हो जाती है, जो अपनी लीको होती है वो डायरी लिख रही होती है मतलब जो पूरे दिन में जो हुआ था ना वो सब डायरी में लिख रही होती है, उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबह होती है, तभी वहाँ पर हमें एक ओल्ड लेडी दिखाई जाती है जो वहाँ की प्रिंसिपल होती है और वो सबको मतलब वेलकम करती है यहाँ पर आने के लिए और जो लीको और उसकी फ्रेंड भी होती है वो भी हमें दिखाई जाती है वहाँ पर, उसके बाद हमें वो दिखाया जाता है कि वो लोग क्लास में चले जाते हैं और वो लोग उन्हें ना पोकेडेक्स मिलता है और सबको मतलब पोकेडेक्स देते प्रोफेसर और प्रोफेसर मतलब बताते कि तुम्हारा जो आज पहला पोकेमॉन मिलेगा तुम्हें अब यहाँ पर तुम्हें इन पोकेमॉन में से एक पोकेमॉन चूज करना है और जो लीको की जो फ्रेंड होती है वो हमारे पास चली जाती है और वो उसे मतलब एक ऑसवर्ड मिलता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, उसका जो लीको होती है वो भी मतलब डरते डरते मतलब आ जाती है वहाँ पर और वो भी अपना एक पोकेमॉन चूज कर लेती है और जो लीको जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है और अपना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी होती है और काफ़ी घबराई हुई होती है, वो एक पोकेमॉन चूज करती है और उस पोकेमॉन को मतलब उसमें से बाहर निकालती है उस पोकेमॉन को और वो पोकेमॉन कोई और नहीं अपना स्पिरिट ईटर होता है वो जो काफ़ी ज़्यादा आलसी पोकेमॉन है और जो लीको होती है उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो मतलब काफ़ी उसे पसंद करने लगती है स्पिरिट ईटर को, लेकिन जो स्पिरिट ईटर होता है जो वो लीको को पसंद नहीं करता और वो लीको के ऊपर मतलब हमला करके वो वहाँ से भागने लगता है और जो लीको होती है वो भी मतलब उसके पीछे पीछे मतलब भागने लगती है और चुपचाप से वो क्लास से बाहर निकलती है और वो लीको के पीछे मतलब स्पिरिट ईटर के पीछे मतलब वो भागने लगती है, अगले सीन में हमें स्पिरिट ईटर दिखाया जाता है जो मतलब भाग रहा होता है और वो मतलब छत पर चढ़ जाता है एक और जो लीको होती है वो पॉकेट एक्स में चेक करती है कि जो स्पिरिट ईटर होता है ना वो मतलब एक अपनी सुगंध छोड़ देता है और जो लीको होती है वो सिगन स्मेल को सूंघते सूंघते मतलब स्पिरिट ईटर के पीछे आ जाती है और जो लीको होती है वो छत एक छत पे आ जाती है और जो स्पिरिट ईटर होता है वो छत पे ही होता है, तो लीको जो होती है वो स्पिरिट ईटर को कूदने को बोलती है और जो स्पिरिट ईटर होता है वो कूद जाता है लीको के ऊपर, लीको जो होती है वो नीचे गिर जाती है और स्पिरिट ईटर भी साथ में उसके गिर जाता है नीचे, लेकिन नीचे का एक स्नोरलैक्स होता है जिससे वो लीको जो होती है और वो बच जाती है, जो लीको होती है वो वहाँ से मतलब उसे सॉरी बोलती है उस ट्रेनर को उसके उस पोकेमॉन को और वो वहाँ से चली जाती है और जो स्पिरिट ईटर होता है वो फिर से भागने लगता है और वो स्पिरिट ईटर जो होता है वो भागते भागते एक जंगल में आ जाता है और लीको भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और उसके बाद हमें एक काफ़ी ब्यूटीफुल सा सनसेट दिखाया जाता है और जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है और मैं क्या बताऊंगा गाइस इसकी एनिमेशन कितनी बढ़िया थी और लीको जो होती है वो वहाँ पर बैठ जाती है और स्पिरिट ईटर भी वहीं पर होता है और जो लीको होती है वो स्पिरिट ईटर को मतलब पकड़ लेती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन जो स्पिरिट ईटर होता है वो लीको को पसंद नहीं करता और उसके मुंह पर एक पंजा मार के वहाँ से चला जाता है, उसके बाद हमें लीको की फ्रेंड दिखाई जाती है जो सो रही होती है और उसका हॉस्पोर्ट भी सो रहा होता है और काफ़ी बढ़िया लग रहा था काफ़ी क्यूट था, उसका जो हमें लीको दिखाई जाती है जो स्पिरिट ईटर के बारे में डायरी में लिख रही होती है कि स्पिरिट ईटर जो है वो मेरी बात नहीं मानता और वो मतलब यही सब लिख रही होती है, उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले दिन जो लीको और उसकी फ्रेंड होती है वो आपस में बैटल करते हैं और जो लीको होती है वो स्पिरिट ईटर को
दोनों साथ बैटल करती है और नेमी जो होती है ना गाइस, और वो मतलब अपने ऑस्मोल्ड के साथ बैटल करती है। वो लोग बैटल करते हैं और जो स्प्रिट होता है वो लीको की बात नहीं मानता और वो खुद पे हमला करने लगता है ऑस्मोल्ड पे। लेकिन जो ऑस्मोल्ड होता है वो लीको के स्प्रिट पे काफ़ी बुरा था जिसके हमला करता है, और जो लीको के स्प्रिट होता है वो मतलब गिर जाता है नीचे, और लीको उसके पास आती है और उसे मतलब कहने लगती है तुम मेरी बात नहीं मानते था यही सब इसलिए हो रहा है। उसके बाद वो आपस में बात करने लगता है कि और जो स्प्रिट है तुम्हारी बात क्यों नहीं मान रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपनी लीको होती है वो एक वीडियो देख रही होती है जिसमें टाइप एडवांटेज के बारे में बताया जाता है और वो उसके बारे में सीख रही होती है। तभी जो लीक होती है वो उस जगह पे फिर से आ जाती है जहाँ पर पहले आई थी और वो अपनी स्प्रिट टीटो के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। और जो स्प्रिट टीटो होता है वो मतलब लीक पर दया खा के उसकी बात मान लेता है और वो मतलब हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जो स्प्रिट टीटो होता है वो हमला नहीं कर पाता और उसका जो मूव होता है वो काम नहीं करता। तभी वो अजीब सी हरकत करने लगता है स्प्रिट टीटो और लीको से देख के काफ़ी हैरान हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लीको जो होती है एक बक्सा निकालती है, मतलब एक बॉक्स निकालती है, उसमें एक पेंडेंट होता है और जो लीको की फ्रेंड होती है वो भी मतलब जग जाती है और वो लीको को मतलब ये पेंडेंट मतलब पहनने को कहती है कि तुम इसे पहन लो, लेकिन जो लीको होती है वो मना कर देती है और वो नहीं पहनती। उसके बाद सुबह हो जाती है और हमें दिखाया जाता है लीको जो और नेमी होती है वो क्लास में होती है। लीको जो होती है उसको काफ़ी नींद आ रही होती है और काफ़ी आलसी है, मतलब ऐस की तरह ही है मतलब। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लीको और उसकी फ्रेंड होती है वो मतलब एक ब्रांच पर बैठी हुई होती है और जो ऑस्पोर्ट होता है वो मतलब ऐसे ही मतलब कुछ टाइम पास कर रहा होता है। तभी गाइस फ्रेम चेंज होता है और इस फ्रेम में गाइस मुझे एक हेलीकॉप्टर जैसा कुछ दिख रहा है ऊपर आसमान में, और ये मैंने चीज़ नोटिस की है, बस मैं बताने वाला हूँ, बस बताने के लिए बता दिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लीको थी वो अपने रूम में मतलब ऐसे ही पड़ी हुई होती है। तभी वो जो स्प्रिट होता है उसके सर पर आ जाता है और जो लीक होती है वो उसका फिर जो लीक होती है वो स्पिरिट हरा आदत पर नज़र रखने लगती है और उसके बारे में लिखने लगती है कि वो स्पिरिट तो क्या करता रहता है पूरे दिन, और वो उसके बारे में लिखने लगती है। उसके बाद हमें एक रोटूम फोन दिखाया जाता है जिस पर किसी का कॉल आया हुआ होता है और वो लोग लीको के बारे में बात कर रहे होते हैं, और वो लोग जो होते हैं ना वो लीको को ढूंढ रहे होते हैं, और जो दो लेडीज़ होती है वो भी वो लीको को ढूंढ रही होती है और वो पता नहीं क्यों लीको के पेंडेंट के बारे में ही बात कर रही होती है। तभी वो हमें दिखाया जाता है जो लीको होती है वो वाला एक छत पे आ जाती है और वो अपने स्प्रिट टीटो को ढूंढने लगती है। तभी जो स्प्रिट टीटो होता है वो उसके पास आ जाता है, उसका जो स्प्रिट टीटो होता है वो उसके ऊपर कूद जाता है और वो जो लीको होती है वो नीचे गिर जाती है उसे पकड़ने के चक्कर में। उसके बाद गाइस हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो मतलब किसी को ढूंढ रहा होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है वो दो लेडीज जो मतलब लीको को ढूंढ रही होती है। तभी गाइस वहाँ पर प्रोफेसर फ्रेडे आ जाते हैं और गाइस मैं पक्का कह सकता हूँ ये प्रोफेसर फ्रेडे ही हैं, और वो भी मतलब लीको को ढूंढ रहे होते हैं, पता नहीं लीको से इनका क्या काम है। उसके बाद गाइस हमें लीको दिखाई जाती है जो अपने स्प्रिट टीटो के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है, लेकिन जो स्प्रिट टीटो होता है वो उसकी बात नहीं मानता। उसके बाद हमें एक अजीब से बालों वाला एक लड़का दिखाया जाता है जो लीको के पेंडेंट के पीछे पड़ा हुआ होता है और वो लीको के पेंडेंट के बारे में मतलब उसके लीको के बारे में पूछने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो नेमी होती है वो मतलब घर जा रही होती है अपने ऑस्पोर्ट के साथ, और वो लीको की मतलब बाय बाय बोलती है और वो वहाँ से मतलब चली जाती है। उसके बाद जो लड़का होता है वो मतलब स्प्रिट लीको के बारे में पता करने लगता है और सबसे पूछने लगता है। तभी जो लीको होती है वो उस लड़के के सामने आ जाती है। उसके बाद वो जो लड़का होता है वो लीको से उसका पेंडेंट मांगने लगता है और वो मतलब उससे कहता है कि तुम मुझे अपना पेंडेंट दे दो वरना मैं मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा इसके ऊपर। और जो लीको का स्प्रिट टीटो होता है वो उस पर मतलब गुस्सा करने लगता है और वो गुस्से में उसको देखने लगता है, और जो लीको होती है वो अपने स्प्रिट टीटो को शांत करती है और वो मतलब कहती है कि मतलब मैं नहीं दूंगी, और वो मतलब अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद वो जो लड़का होता है वो उसके लीको के रूम में आता है और जो लीको का जो बॉक्स होता है ना हाथ से उससे छूट जाता है और वो उसका पेंडेंट भी गिर जाता है। उसका जो लीको होती है वो जल्दी जल्दी अपना पेंडेंट पहनती है और वहाँ से भागने लगती है, और वो जो लड़का होता है वो उसके घर के मतलब उसके रूम के बाहर ही खड़ा होता है। जो लीको होती है वो वहाँ से भाग जाती है अपने स्प्रिट टीटो के साथ और वो छत पर चढ़ जाती है, और वो जो लड़का होते हैं ना उसके साथ कुछ तीन और साथी होते हैं, उसके दो साथी होते हैं वो जो उसे मतलब ढूंढ रहे होते हैं लीको के पेंडेंट को, और वो लीको के पीछे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो लीको के मतलब लीको से कहने लगता है कि मुझे वो पेंडेंट दे दो, और वो जो लड़का होता है वो अपना रायवन को निकालता है और लीको अपने स्प्रिट टीटो को मतलब उससे कहती है कि स्प्रिट टीटो हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन जो स्प्रिट टीटो होता है वो मतलब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो लड़ना चाहता होता है उससे, और वो उस पर हमला करता है, लेकिन उससे भाई कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो एक कोई भी पोकेमॉन पता नहीं क्या है। उसके जो लीको होती है वो एक बार फिर से उस पर हमला करने को बोलती है और उस पर वो उसकी आँखों पर हमला करने को बोलती है जिससे उसकी जो आँखें होती हैं वो मतलब बंद हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है, और लीको एक बार फिर से मतलब छत पर चढ़ जाती है और वो जो लड़का होता है ना वो लीको को पीछे पीछे और उस छत पर भी आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रोफेसर फ्रेडे होते हैं वो मतलब अपने चार्जर के साथ वहाँ पर आ जाते हैं, और वो काफ़ी कमाल का था, और वो जो लड़का होता है वो पूछने लगता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम हमारे रास्ते में बताओ वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और वो अपना पोकेमॉन निकाल लेता है। और जो प्रोफेसर फ्रेडे होते हैं वो भी मतलब अपने चार्जर से उस पर मतलब हमला करने के लिए लोग कहते हैं, और वो मतलब बैटल स्टार्ट कर देते हैं, आपस में बैटल करते हैं, और वो काफ़ी कमाल की बैटल होती है गाइस। मैं उसकी
कुछ मतलब बता ही नहीं सकता गाइस, इतनी बढ़िया बैटल थी वो। उसका जो एनिमेशन था वो भी काफ़ी बढ़िया था। और वो मतलब आपस में बैटल करते हैं, तभी वो जो उस बुढ़े लड़के का जो अपोगिन होता है वो एक हमला करता है, जिससे वो पीछे की जो दीवार होती है वो टूट जाती है। और जो लीक होती है वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो थोड़ी डर जाती है। उसका जो लीक होती है वो वहाँ से भागने लगती है अपने स्पिरिट टीटो के साथ। पर तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो स्पिरिट टीटो मतलब लीको को पकड़ने लगता है। और लीको जो होती है वो एक मतलब कोने में आ जाती है कहीं पे और ऊपर से आ जाती है। जो लीक होती है वो कूदने की मतलब कोशिश करती है, वो वहाँ से कूदने वाली होती है। तभी वो जो प्रोफेसर फ्रेडे होते हैं वो इसे कहने लगते हैं कि ये इस लड़के का दिमाग खराब लगता है, ये क्या करने वाली है। तो जो तभी जो लीक होती है वो वहाँ से कूदने लगती है। जैसे ही वो स्पिरिट टीटो और लीको कूदते हैं वहाँ से, और तभी जो पोकेमोन होता है वो लीको पे हमला कर देता है। तभी जो लीको का पेंडेंट होता है वो चमकने लगता है और वो एक सुरक्षा कवच जैसा कुछ सील वेल मतलब बना लेता है। और उसके आसपास जो लीको होती है उस अटैक से बच जाती है। और ये काफ़ी कमाल का मतलब था, और मैं क्या बताऊँ इस बारे में। वो जो एक सील जैसा मतलब कुछ बना लेता है उसका जो पेंडेंट होता है लीको का, और ये जो सीन था वो काफ़ी एपिक सीन था गाइस। मतलब ये कोई किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इसका लीको जो पेंडेंट, सच में गाइस जो लीको का जो पेंडेंट है वो एक जादुई पेंडेंट गाइस मैं कह सकता हूँ, मतलब एक जादुई पेंडेंट है इसका। और यार ये एपिसोड गाइस काफी कमाल था। और जो एपिसोड 2 भी गाइस वो, और गाइस एपिसोड 2 भी इसी चैनल पे आए। और जो एपिसोड जो होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। बाय बाय गाइस।